नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमिक ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके संग आशीर्वाद। समय है सुबह के 8 बजे हैं। चर्चा करेंगे पीआईबी पर। पीआईबी जो रहा कल का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, क्या है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जानते हैं हम लोग। मैं कब बता चाहूंगा एक बार आपको, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, जहां पर आपको सरकार से संबंधित, सरकारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से कंसर्न सभी पोस्ट, सभी अपडेट प्राप्त होते हैं। उसमें क्या है खास, बहुत सारी पोस्ट आती हैं दिन भर उसके ऊपर, हमारे लिए क्या है, हार्डली 3-4 खबरें काम की होती हैं, लेकिन एज अ सेगमेंट जानना जरूरी है उसको, पीआईबी को। तो बात करें पीआईबी में आपके साथ, पीआईबी में आज के हमारे क्या है, पीआईबी एनालिसिस विद आशीर्वाद से बात करेंगे आज, क्या है पीआईबी में। तो पहली खबर जो पीआईबी की है वो है, संसद ने एक बिल पास कर दिया है जिसका नाम है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन बिल या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल। लोकसभा में मानव अधिकार संरक्षण विधेयक पारित, बधाई हो आप सभी को। मानव अधिकार संरक्षण पारित हो गया है, पास हो गया ये बिल। क्या है पास बिल, क्या बदलाव हुआ इस बिल के अंदर, तो जानना पड़ेगा, थोड़ा कहानी सुनेंगे इसके पीछे हम लोग। यहाँ पर क्या है ह्यूमन राइट्स बिल के बारे में, देखिए ये जो बिल है बेसिकली ये चर्चा करता है विशेष संरक्षण की। इस बिल में कहा गया है कि प्रत्येक मानव को, प्रत्येक नागरिक को अधिकार है देश में अपनी बात रखने का, कहने का, उसको अधिकार है अपने अधिकारों की रक्षा करने का। तो एज अ ह्यूमन आपको कुछ ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, उनका प्रोटेक्शन करता है ये बिल आपके लिए। इस बिल को 93 में बनाया गया था और तैयार किया गया था। बिल के पास होने के बाद तैयार हुआ था देश में बड़ी संस्था का नाम होता है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तैयार हुआ था इस बिल के पास होने के बाद, जो देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सरकार से जांच करवा सकता है, खुद जांच कर सकता है मामलों की, और कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट संस्था है। मैं चलूँ आपको लेकर NHRC का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या NHRC का, और उसकी स्थापना क्यों की है। तो बैकग्राउंड सुनिए, बहुत काम का बैकग्राउंड है, क्योंकि अभी हाल ही 25 साल पूरे किए संस्था ने अपने, काम का क्या है इस संस्था के बारे में जानते हैं आपके साथ। इस संस्था में जो कहा गया है यहाँ पर, अगर मैं कॉपी कर पाऊँ, दिखा पाऊँ यहाँ पर कुछ कंपोजिशन, बात कर पाऊँ नेट पर जाकर मैं आपको ले जाऊँ, वेबसाइट चलते हैं, वेबसाइट में क्या क्या है इसके एक बार आपके संग देखें। वेबसाइट पर क्या है इस NHRC की, इस कंपोजिशन की, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट देख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग, और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसका, कंपोजिशन क्या है, कितने लोग बैठते हैं। तो उसके वर्तमान चेयरपर्सन आप देख रहे हैं यहाँ पर, श्री जस्टिस HL दत्तू साहब, थोड़ा जूम कर दूं मैं आपके लिए इसको, तो श्री जस्टिस HL दत्तू साहब इसके चेयरपर्सन है, फॉर्मर CGI रह चुके हैं। उसके अलावा कुछ मेंबर्स हैं इसके अंदर, 1, 2, 3 आप नंबर देख रहे हैं मेंबर्स के, संख्या देख रहे हैं मेंबर्स की यहाँ पर, तो लगभग 2 से लेकर 5 तक, यानी 4 सदस्य हैं। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक सीट खाली पड़ी है हालांकि, 4 मेंबर होते हैं प्लस एक अध्यक्ष, 4 मेंबर, और इसके अलावा देखेंगे मैं स्क्रीन पर कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर, पदेन सदस्य बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, यानी पदेन मतलब जो उस पद पर होगा अपने आप इसका मेंबर होगा। एग्जाम्पल देते हैं आपके संग, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं आपके साथ स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं मेरे संग यहाँ पर, श्री सैयद हसन रजवी साहब जो मेंबर किसके हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, वो उसके अध्यक्ष हैं, बाय डिफॉल्ट इसके मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर, यानी उसके अध्यक्ष जो भी होगा अल्पसंख्यक आयोग का, इसका मेंबर अपने आप हो जाएगा। जैसे कि नेशनल SC कमीशन जो हमारा है, प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जिसके अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष वहाँ के भी हैं और मेंबर हैं वो NHRC के भी, यानी एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं वो, 1, 2, 3, राष्ट्रीय ST आयोग, राष्ट्रीय SC आयोग, माइनॉरिटी आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इनके जो जो अध्यक्ष अध्यक्षा होंगी वो अपने आप वह स्वयं मेंबर होंगे NHRC का। यानी एक बार देखिए आपके साथ यहाँ पर कौन कौन मेंबर है इसका, तो नाम देख रहे हैं हमको यहाँ पर, तो एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं 4 मेंबर इसके ये हैं, यानी एक अध्यक्ष, 4 मेंबर और 4 पदेन मेंबर, तो टोटल मिला कितने हुए दोस्तों, 9 मेंबर। तो अगर मुझे कहा जाए कितने मेंबर हैं NHRC में, 1+4+4, 1 अध्यक्ष 1 चेयरपर्सन, 4 मेंबर और 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर अभी तक हुआ करते थे। यही बदलाव कर रहा है कानून, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है संविधान में, वो माफ कीजिएगा, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इस एक्ट में, वो यही बदलाव हो रहा है कि अब इसमें 4 की जगह जो ऑफिशियल मेंबर देख रहे हैं 4, आप कुछ और लोग जोड़े जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, ST आयोग, SC आयोग और अल्पसंख्यक आयोग का है। व्हाट अबाउट बैकवर्ड कमीशन, व्हाट अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, उनके मेंबर नहीं है इसके अंदर। तो अमेंडमेंट यहाँ किया जा रहा है, सरकार अमेंडमेंट कर रही है यहाँ पर, और अब मैं कहूँ यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, NCBC, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरपर्सन होगा, बाय डिफॉल्ट मेंबर होगा इस NHRC का, प्लस NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स,
इसका जो चेयरपर्सन होगा बाय डिफॉल्ट मेंबर होगा एनएचआरसी का। तो यहां दो तीन बदलाव वो देखने को मिल रहे हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर संख्या बढ़ाई जा रही है, जो चेयरपर्सन होंगे पिशावर के जो चेयर कमीशन पर्सन होंगे बाल अधिकार संरक्षण के, वो बाय डिफॉल्ट मेंबर होंगे अब इस संस्था का। तो अच्छी बात की गई है, नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाए गए हैं अब एनएचआरसी में। तो ये बदलाव, पहला बदलाव देख रहे हैं हमको यहाँ पर एनएचआरसी में, नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाए गए हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर नए सदस्य जोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा और क्या बदलाव हुआ है, तो ये दो कंपोजिशन एनएचआरसी का। इसके अलावा एनएचआरसी में जो बिल पास हुआ है आपका, इसमें बदलाव और किया गया है। अब तक एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होता था वो सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश, कोई रिटायर्ड, कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता था, एक्स सीजीआई ऑफ इंडिया, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता था एनएचआरसी का अध्यक्ष। अब यहां बदलाव किया गया है, या तो कोई सीजीआई यदि उपलब्ध नहीं है, उनके पास समय नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे समय एनएचआरसी के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ही कोई अदर रिटायर्ड जज, नॉट सीजीआई एग्जैक्टली, सीजीआई के अलावा जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी कवर करना। बताएंगे दोस्त मुझे कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ पर, बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे करके अपना, कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या दोस्त। हाँ सही कहा आपने, ये 1+30 जज होते हैं हमारे पास, 1+30 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो 1+30 जजेस हमारे पास होते हैं यहाँ पर, 1+30 एक सीजेआई और 30 अन्य जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर प्रयास किया गया है सरकार द्वारा कि अगर सीजीआई उपलब्ध नहीं है तो 30 में से कोई अन्य जज को यहाँ पर अध्यक्ष बना सकते हैं आप एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। आगे बढ़ेंगे दोस्त आपके साथ, तो एक बदलाव ये हुआ एनएचआरसी का, तो न मेंबर जोड़ना है कंपोजिशन में, और जो अध्यक्ष होगा वो कोई और व्यक्ति भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के या एससीजीआई के अलावा। दूसरा जो बदलाव हो रहा है इस एक्ट में वो है राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहाँ बदलाव हो रहा है। वहाँ भी नई बात जोड़ी जा रही है कि अभी तक स्टेट एचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोग जो होते हैं उनका अध्यक्ष होता है और उस राज्य या राज्य किसी हाईकोर्ट का सीजे, किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होता है एसएचआरसी का, यानी वो रिटायर्ड हो किसी मुख्य न्यायाधीश पद से तब उसको एसएचआरसी में इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन अब अमेंडमेंट हो रहा है यहाँ पर और अब कोई हाईकोर्ट का सीजे या हाईकोर्ट का कोई अन्य जज भी यहाँ पर अध्यक्ष बन सकता है, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग, एग्जाम्पल दूं मैं यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमपी ह्यूमन राइट्स कमीशन, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन या बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होगा उसका अध्यक्ष अब किसी भी हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं बिहार के हाईकोर्ट का हो या पटना हाईकोर्ट से हो या वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से हो, जी नहीं, किसी भी देशी किसी हाईकोर्ट से रिटायर होता है वो अध्यक्ष हो सकता है इस एसआरसी के पद के, अध्यक्ष का पद का आ सकता है। यानी कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। दूसरा यहाँ पर एसएचआरसी में बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा जो बदलाव हो रहा है वो देखेंगे आपके साथ, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इस कानून में। तीसरा जो अमेंडमेंट है दोस्तों यहाँ पर सुनेंगे हम लोग, वो है कार्यकाल। अब तक जो कार्यकाल होता था इन एसएचआरसी का या एनएचआरसी के पदों का, 70 साल की अधिकतम आयु या 5 साल का, तो 5 साल 70 साल की आयु थी, 5 साल पहले हो जाए 70 साल पहले हो जाए रिटायर होता था। अब यहाँ पर बड़ा कम करके 3 साल कर दिया गया, 3 साल और 70 साल कर दिया गया, यानी 3 साल का कार्यकाल कर दिया गया है एनएचआरसी एचएसआरसी कार्यकाल कर दिया गया है, 5 से कम करके 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बदलाव जो किया गया इस एक्ट में वो ये है कि अब तक जो दिल्ली एनसीआर हुआ, दिल्ली की बात करें या पांडिचेरी की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, जो यूटीज बोलते हैं हम भाषा में, यूटीज क्या होता है दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे यहाँ पर इकाइयाँ हैं, जो हमारे यहाँ पर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो यूटीज होते हैं, उन यूटीज का मामले कहाँ जाते हैं, राज्य का अपना एचआरसी होता है, यूटी मामले कहाँ जाते हैं। तो अब तक यूटी के मामलों के लिए यूटी के अंदर होते थे या वो जुड़ते थे एनएचआरसी के साथ, तो यहाँ पर अब कहा गया है कि यूटी के मामले जो संबंधित बगल में राज्य होगा उसका एचआरसी देखेगा, यानी और संस्था नहीं देखेगी। तो कहीं ना कहीं यूटी के जो एचआरसी हैं, यूटी के लिए जो एचआरसी काम करें कौन करेंगे, स्टेट के। वहीं दिल्ली की बात करें, दिल्ली किसको दिया गया है, तो दिल्ली सरकार ने कहा हम रखेंगे अपने पास एनएचआरसी। यानी कि अब सोचिएगा, दिल्ली मानवाधिकार आयोग हुआ करता था हमारे यहाँ पर, एक दिल्ली का एक मानवाधिकार आयोग हुआ करता था स्वयं का, अब वो नहीं रहेगा, अब वो दिल्ली मानवाधिकार आयोग के सारे कार्य किसके पास चले जाएंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के पास। दिल्ली ह्यूमन राइट्स कमीशन खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और सारी पावर दे दी जाएंगी एनएचआरसी को दिल्ली ऐसे मामलों के लिए। तो यूटीज के एचआरसी खत्म किए जा रहे हैं संबंधित राज्यों को, पड़ोसी राज्यों को, और दिल्ली के लिए पर्टिकुलर एनएचआरसी को दिया जा रहा है, ये कहा गया इस बिल के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बिल है, एक चर्चा वाला बिल है काफी अपने आप में ये, जो इसके अंदर जोड़ा गया है।
चलिए दोस्तों, तो बाहर आएंगे हम लोग यहाँ पर, इस बिल से बाहर आएंगे आपके लिए। तो ये बदलाव किया गया है, पीआईबी की पहली खबर है आपके लिए, वो है बिल पास किया गया मानवाधिकार आयोग का। क्या क्लियर है आप लोगों को दोस्तों, बताएं मुझे कमेंट करके आप लोग, क्या समझ में आ रही है बात यहाँ पर हमको पीआईबी पर? ये तो पहली खबर है पीआईबी पर जो हमने देखी यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच दोस्त। दूसरा खबर हमारे पास जो है पीआईबी का, दूसरा खबर जो पीआईबी का है वो है फास्ट टैग को बढ़ावा। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे संग, देश भर के समस्त टोल प्लाजा पर फास्ट टैग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहना है भारत सरकार का। फास्ट टैग क्या होता है? फास्ट टैग बताएगा मुझे, फास्ट टैग क्या होते हैं? फास्ट टैग क्या होते हैं? जी हाँ, गाड़ियों पर लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन सिस्टम। क्या होता है फास्ट टैग, मैं छोटा वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पर, फास्ट टैग क्या होता है, तो हम जोड़ पाए फास्ट टैग के बारे में और चीज़ों को। फास्ट टैग क्या होता है, छोटा वीडियो देखते हैं आपके साथ। फास्ट टैग का वीडियो मेरे पास होना चाहिए कुछ ना कुछ, RFID तकनीक पर काम करने वाला फास्ट टैग। तो आप देखेंगे वीडियो मेरे संग, यहाँ पर एक फास्ट टैग का वीडियो दिखाई देगा हमको, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन बेसिकली। तो चर्चा का विषय जो हमारी है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रॉनिक टोल, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, शब्द याद रखिएगा ETC, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तकनीक ETC है, उसका नाम रख दिया है फास्ट टैग। तो तकनीक क्या है ETC, बात करें आपके साथ, तकनीक हम देखें ETC। वर्तमान में जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं टोल पर जाती हैं, जो भी आपके कहना चाहिए मुझे गाड़ियाँ मूव करती हैं, टोल से मूव करती हैं, तो अगर गाड़ी टोल पर आती है तो उसे कहना चाहिए मुझे यहाँ पर टोल भरना पड़ता है, टोल देना पड़ता है उसको। तो ऐसे में टोल व्यवस्था खत्म करने के लिए लाया गया ETC, स्मूथ करने के लिए, टोल व्यवस्था को स्मूथ। कभी क्या होता है वर्तमान में जानते हैं, आप जाइए टोल पर, आप गाड़ी रोकिए, वेट कीजिए, आप उसको अपना पेमेंट कीजिए, वो पर्ची काटेगा आपको, सही रहा सब मामला, वरना हिंसा बहुत होती है आजकल टोल पर हमारे यहाँ पर। तो टोल में आप पैसा देंगे उसको, वो चिल्लर निकालेगा, वो खुला देगा आपको, वहाँ पर पर्ची काटेगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर, फिर गिनेगा नोट, बहुत टाइम लगता है, बहुत समय खराब होता है, लंबी लाइन हो जाती है। वहीं अगर ये मशीन लगा दी, आप देख रहे हैं ETC, ये मशीन लगा दी जाए टोल पर, तो आपकी गाड़ी जैसे ही टोल के संपर्क में आती है, पास पहुंचती है, ये जा अपने आप खुल जाता है, यानी आपकी गाड़ी और टोल के बीच एक कम्युनिकेशन हो रहा है, और यही है ETC टैग। आपकी गाड़ी में स्टिकर लगा होता है एक प्रकार का, आपकी गाड़ी में स्टिकर लग जाता है, जैसे टोल के आसपास गाड़ी पहुंचती है आपकी, वो अपने आप ऑन हो जाता है, तो इसे कहते हैं ETC हम लोग। फास्ट टैग फ्रिक्वेंसी ID आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही गाड़ी टोल के पास आई, रेडियो फ्रिक्वेंसी मैच करी उस उपकरण के साथ उसकी, और वो टोल खुल गया। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आपके मशीन, आपकी गाड़ी में लगा हुआ एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिटेक्टर, एक छोटा सा उपकरण संपर्क में आता है टोल की मशीन के, और गेट खुल जाता है। अब सोचिए रहा, ये थोड़ा सा लंबा, अगर इसकी रेंज बढ़ा दी जाए, मतलब आप टोल के बाद पास नहीं, टोल के बाद दूर हैं आप, और वहाँ से आपको संकेत पकड़ ले वो, तो आप तो टोल तक पहुँचेंगे पहले 20 गाड़ी निकल जाएंगी आपके आगे। तो क्या होना चाहिए, बहुत करीब होना चाहिए, तो टोल के बहुत करीब पहुँच जाएंगे जब आप, तब ही आप इस संपर्क लेगा और आपका गेट खोलेगा। तो टोल के बहुत करीब में आना पड़ता है आपको, तो यूज़ करते हैं हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक को। आजकल देखेंगे कई सुरक्षा मॉल्स के अंदर, कई सुरक्षा जगहों पर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे चोरी को रोक सकें, मॉल में होने चोरी को रोक सकें, वो लोग सामान की चोरी को रोक सकें। तो कई जगह पर मॉल्स के अंदर सुरक्षा जगहों पर प्रयोग करते हैं RFID तकनीक का। तो RFID तकनीक पर आधारित है ETC पर आधारित है फास्ट टैग। इसको तैयार किया फास्ट टैग को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। तो याद रखिए फास्ट टैग बन सकता है सवाल आपके लिए कभी आगे जाकर। चलिए दोस्तों बाहर आएंगे फास्ट टैग से, मूव करेंगे आपके साथ न्यूज पर आते हैं। अगली खबर जो हमारे पास है, अगली खबर जो जुड़ी हुई हमारे इस सेशन से आज के, दैट वन इज ओके फास्ट टैग दिखाता हूँ आपके पास, देखते हैं फास्ट टैग। तो फास्ट टैग आप देखें स्क्रीन पर, कार से निकलने वाला स्टिकर लगा है, आपके स्टिकर फास्ट टैग लगा हुआ है स्क्रीन पर आपकी, अगर आप देख पाए, मार्क करता हूँ आपके लिए यहाँ पर मैं, तो ये लगा है आपका उपकरण, ये लगा है फास्ट टैग, फ्रिक्वेंसी मैच कर रही ऊपर मशीन से, और टोल ये आपको दिख रहा है, गेट टोल ओपन हो जाता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटरिंग कैमरा लगा है, टैग रीडर जो फास्ट टैग उसको रीड करने वाली मशीन लगी है आपके टोल में ऊपर की तरफ, और फास्ट टैग लगा है आपकी गाड़ी पर। तो फास्ट टैग लगा है गाड़ी के ऊपर आपकी, गाड़ी पहुंचती है टैग में, फास्ट टैग का बोर्ड लगा होता है यहां पर, जैसी गाड़ी पहुंचती है वो अपने आप ऑन हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, तीसरी न्यूज हमारे पास जो है वो है सिल्क के उत्पादन को लेकर। सिल्क का उत्पादन हो रहा है देश के अंदर, सिल्क में क्या क्या चीजें हैं आपके जानने के लिए, सिल्क का इंपोर्ट, सिल्क का आयात क्या हो रहा है यहां पर, सिल्क का आयात क्या हो रहा है देख रहे हैं हम लगातार, देश में इंपोर्ट ऑफ सिल्क कम हो रहा है, अच्छी बात देश के लिए, सिल्क आयात कम हो रहा है, हम लोग देश में डोमेस्टिक सिल्क ज्यादा पैदा कर रहे हैं, ज्यादा पैदा हो रहा है, आप
नोटिस कर रहे हैं सिल्क का उत्पादन आयात कम हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो याद रखिएगा देश में सिल्क का इंपोर्ट कम हो रहा है। बताएगा मुझे देश में कितने सिल्क होते हैं, आप में से बताना चाहेंगे मुझे सिल्क कितने प्रकार के होते हैं देश में। सिल्क में हम लोग बात करें रेशम में कितने प्रकार के होते हैं, कभी सुना हो मलबरी रेशम के बारे में आपने चर्चा की हो, टसर रेशम होता है, मूंगा सिल्क होता है, कुछ सुना है कभी इसके बारे में? चलिए एक बार देखते हैं आपके संग सिल्क के हम कुछ प्रकार हम ढूंढ पाए आपके साथ, सिल्क के हम कुछ प्रकार चर्चा कर पाए। तो अगर हम देख पाएं आपके साथ स्क्रीन पर कुछ सिल्क के प्रकार दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर, सिल्क के कितने प्रकार हम लोग यूज करते हैं इंडिया के अंदर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे संग सिल्क के प्रकार देख रहे हैं हमको यहां पर, सिल्क के कुछ प्रकार स्क्रीन में नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, ओक सिल्क, इरी सिल्क और मूगा सिल्क, ये पांच प्रकार हैं भारत में सिल्क के, ये पांच प्रकार के सिल्क होते हैं भारत में हमारे यहां पर। फिर देख लीजिए एक बार मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, क्लियर है आपको? देखिए एक बार यहां पर पांचों सिल्क दिखेंगे आपको स्क्रीन पर अपनी, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, ओक सिल्क, इरी सिल्क और मूगा सिल्क, ये पांच नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, पांच प्रकार के सिल्क होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कहां कहां मिलते हैं इंडिया के, किस इलाके में मिलते हैं सिल्क आपको, ये सिल्क के प्रकार बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए कहां कहां मिलते हैं सिल्क आप मेरे साथ यहां पर, तो ये जो सिल्क मिलता है मलबरी की बात करें इंडिया में आप, तो मलबरी सिल्क जो मिलता है ऑन योर स्क्रीन, मलबरी सिल्क जो हमको मिलता है वो भारत के कुछ इलाकों में जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में प्राप्त होता है। भारत के कुल सिल्क का 92% आपका मलबरी सिल्क होता है, तो भारत के पूरे सिल्क जो पैदा होता है भारत में उसका 92% भारत के कुल सिल्क का 92% मलबरी सिल्क है। मलबरी सिल्क ये कमर्शियल सिल्क होता है, वाणिज्यिक सिल्क होता है, कपड़ा बनता है सिल्क का इससे कहीं ना कहीं मलबरी सिल्क, तो मलबरी बहुत फेमस है अपने आप में, 92% देश का सिल्क मलबरी सिल्क होता है। तो याद रखिए जानकारी दोस्तों, कहां कहां देख रहे हैं फिर मेरे संग रिवाइज कीजिए फटाफट, कर्नाटक में हम देख रहे हैं, आंध्रा में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, क्या क्लियर आप लोगों को दोस्तों? ये बताते रहिए मुझे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको ये, जी हाँ चलिए यस बोलिए अगर क्लियर हो रहा तो आगे बढ़ते हैं आपके साथ, जी हाँ थैंक यू, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सिल्क देखते हैं आपके संग, अगला सिल्क क्या है यहाँ पर, अगला सिल्क का जो प्रकार है इंडिया में जो मैं बताया टसर सिल्क, टसर सिल्क कहाँ होता है ये, टसर सिल्क आप देख रहे हैं स्क्रीन में संग यहाँ पर, टसर सिल्क झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश में भी, तो टसर सिल्क होता है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में टसर देखते हैं हम लोग यहाँ तक होगा। याद रखिए मेन जो टसर सिल्क होता है इंडिया में वो ट्राइबल एरियाज में होता है, जनजातीय इलाकों में बहुत ज्यादा होता है, तो जनजातियां पहचानी जाती हैं टसर सिल्क पैदा करने के लिए, तो टसर सिल्क ट्राइबल बेल्ट में पैदा होता है देश का टसर सिल्क। नीचे आऊंगा एक और बातें हम लोग, तीसरा है ओक टसर, बहुत काम का नहीं है लेकिन याद रखिएगा यूपी में, असम में, मणिपुर में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, वहां बहुत मिलता है आपको ये टसर सिल्क। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये ओक टसर, माफ कीजिएगा ओक टसर मिलता है चाइना, चाइना अपने फेमस है सिल्क के लिए और वहां ओक टसर होता है, तो काम की बात है आपके लिए, चाइना नोन फॉर देयर सिल्क, वहां पर ओक टसर होता है, तो ओक टसर का दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना अपने आप में, तो बहुत फेमस ओक टसर होता है, चाइना से आता है, चाइना के साउथ से आता है, चाइना के यूनान, यूनान प्रांत से आता है वहां से। चलो चलिए ओक टसर की बात करें, इसके अलावा एक टसर और हमारे पास इरी, इरी सिल्क वर्म की बात कर रहे हैं, इरी टू हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे इरी की, तो इरी कहाँ होता है देश के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, थोड़ा बहुत असम में आपको मिलेगा इरी देश के अंदर होता हुआ, तो मिलेगा आपको कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और असम में मिलेगा आपको इरी यहाँ पर। ये भी मुख्यतः ट्राइबल्स द्वारा होता है, ये भी मुख्यतः जनजातियों द्वारा पैदा किया जाता है, तो जंगलों में होने वाला सिल्क है अपने आप में ये इरी कल्चर, एक फेमस एक नाम पड़ गया इरी कल्चर, रेशम पैदा करने की तकनीक का नाम पड़ गया, सेरी कल्चर बोलते हैं हम लोग, रेशम पैदा करने के हम लोग सेरी कल्चर होता है ना उसी नाम पर प्रकार से इरी कल्चर, तो इरी कल्चर एक नाम पड़ गया अपने आप में इसका, इरी कल्चर यानी कि रेशम बनाने का एक तरीका, इरी रेशम बनाने का एक तरीका, तो सेरी कल्चर इरी कल्चर याद रखिए दोनों जुड़े हुए हैं ये रेशम बनाने की इंडस्ट्री के साथ। आगे बढ़ेंगे आपके साथ दोस्तों, अगला जो हमारा सिल्क का प्रकार है, लास्ट सिल्क का प्रकार जो है हमारा मूगा सिल्क, मूगा बात करें हम लोग, मूगा है असम की वैरायटी, याद रखिए केवल अगर असम मिलता है हमको, ये प्राइड ऑफ असम कहते हैं इसे, वहां पर हम लोग असम का ये गर्व है, गौरव है असम का, द गोल्डन येल्लो कलर सिल्क असम में मिलता है, द प्राइड ऑफ असम स्टेट, मूगा फैला हुआ असम बहुत ज्यादा मिलता है असम के अंदर, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है असम इसका, बहुत बड़े स्केल पर असम पैदा होता है मूगा सिल्क आपके लिए असम के अंदर, तो ये काम आएगा आपको नॉलेज रखिएगा कहाँ कहाँ मिलते हैं सिल्क, कितने प्रकार के होते हैं, फिर याद करें पांच कौन कौन से दोस्तों बताएं मुझे आप, मलबरी, टसर, ओक टसर, एरी और मूगा, पांच प्रकार के आपके सिल्क होते हैं ये, जिनसे अलग प्रकार के कपड़े बनते हैं, अलग प्रकार के वस्त्र बनते हैं, तो ये आपके हुए पांच प्रकार के सिल्क यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ हम रोकेंगे, सिल्क का इंपोर्ट कम हो रहा है अच्छी बात देश के लिए, एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा उत्पादन खुद बढ़े हम ये चाहते हैं, तो ट्रेडिशनली आप देखिए नोटिस में करें यहाँ पर सिल्क के निर्यात में कमी आई है, सिल्क के इंपोर्ट में कमी आई है, सिल्क के आयात में कमी आई है
और ये आयात भारी कमी आ गई है, देख रहे हैं हम लोग आपको कहीं ना कहीं लगातार बड़ी कमी आती जा रही है सिल्क में, आयात में सिल्क के, देश आत्मनिर्भर हो रहा है सिल्क के प्रोडक्शन में। क्या क्लियर हमको दोस्तों? चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, आगे चलते हैं हम लोग अगली खबर पे आएंगे आपके साथ। अगली खबर कुछ खास नहीं है, छोटी सी खबर है हमारे लिए, खबर है जैम। जैम क्या जानते हैं आप लोग? सुना है कुछ जैम के बारे में? आपने अमेजन का नाम सुना है? सुना है। फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? ये भी सुना है, जैम का नाम नहीं सुना। मैं कहूँ आपसे, आप और हम बाय करते हैं, परचेज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से हम करते हैं शॉपिंग, अमेजन से, सरकार शॉपिंग करती है जैम से। सरकारी पोर्टल है, सरकारी खरीदारी का पोर्टल है, जहाँ गवर्नमेंट की कंपनियाँ, गवर्नमेंट के मंत्रालय, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, उनको अगर कुछ भी खरीदना होता है, पेन से लेकर, सामान से लेकर, स्टेशनरी, फर्नीचर, अपने पर्दे लगाने ऑफिस के लिए, एसी लगवाने ऑफिस के लिए, कपड़े लगवाने, व्हाटएवर, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है अपने ऑफिस के लॉजिस्टिक्स के लिए, वो सब खरीदारी करते हैं वो जैम पोर्टल से। तो जैम एक पोर्टल है, सरकार का एक पोर्टल तैयार किया गया, जहां पर दुकानदार, छोटी फैक्ट्रीज, एमएसएमई, बड़ी फैक्ट्रीज अपना उत्पाद रखते हैं डिस्प्ले में और सरकारी एजेंसी खरीदारी करती हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। तो जैम का जो पूरा नाम देखेंगे यहां पर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की चर्चा होती है। काफी अच्छा काम कर रहा है जैम देश के अंदर। इससे फायदा क्या बताते हैं, जैम का फायदा क्या होगा? अगर सरकार खरीदारी करती है ऑनलाइन तो फायदा क्या होगा जैम का अपने आप में? तो जैम का फायदा होता है यहां पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस का मतलब होता है कि सरकारी खरीद में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, गवर्नमेंट बाइंग में, गवर्नमेंट खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी आती है, वरना खरीदारी में कितना घपला होता है हम सभी जानते हैं। तो करप्शन रोकने का एक बड़ा माध्यम है जैम पोर्टल आपका। जैम को अपडेट किया जा रहा लगातार, 90. जैम 2.0, जैम 3.0, तो पोर्टल को रिफॉर्म कर रहे हैं लगातार हम, अच्छे से बना रहे हैं उसको, डिजाइन बना रहे हैं पोर्टल पर, जिससे लोगों का बेचना आसान हो सके और सरकार खरीदना आसान हो सके। तो जैम पोर्टल को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं जैम पोर्टल को अंडर दिस प्रोविजन। तो जैम क्या याद रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहां सरकारी कंपनियां, सरकारी आप और हम खरीदारी नहीं कर सकते, सरकारी कंपनियां, सरकारी मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कर सकती है, खरीद सकती है सामान को, गुड्स को, वस्तुओं खरीद सकती है। किससे? दुकानदारों से, फैक्ट्रीज से, एमएसएमई से, बनाने वालों से, मैन्युफैक्चरर से बाय कर सकती है सीधा 1-to-1। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं, कोई मध्यवर्ती नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, 1-to-1 डील। तो सरकार और एमएसएमई के बीच, सरकार और फैक्ट्रीज के बीच सीधी डील होती है, सस्ता मिलता है सरकार को, करप्शन कम होता है यहाँ पर, और जो एमएसएमई है अपना माल बेच पाते हैं सरकार को, भले टेंडर भरे ना भरे, लेकिन इस पोर्टल पे आकर सामान बेच पाते हैं, यानी सबका साथ, सबका विकास हो पाता है, सबको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाती है सामान बेचने के लिए अपना। तो जैम पोर्टल की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों आपके साथ, यह जैम पोर्टल, चर्चा बनी रहेगी इस टॉपिक पर आपके साथ। यहां दोस्तों मैं रुकता हूं का पीआईबी सेशन आज का, कैसा लगा आपको जरूर कमेंट कर बताइएगा मुझे, इसका पीडीएफ को मिल जाएगा थोड़ी देर बाद इसी कमेंट बॉक्स में, नीचे टॉप कमेंट बॉक्स में। रुकूंगा क्लास में, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपना प्यार ऐसे देते रहिए हम लोगों को। वाईफाई स्टडी आपके लिए और अच्छे एजुकेटर्स, और अच्छी टीचिंग, और अच्छा बेहतर काम करेगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।